अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं भटूरों के साथ खाने वाले छोले। छोले बनाने के लिए हम लेते हैं 250 ग्राम काबुली चने। इन्हें हम कुकर में डालकर 2 सीटियां होने तक के उबालेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं गलाना है। छोलों का असली मज़ा छोले कम गलने में ही है। देखिए, हमारे छोले गल चुके हैं। यह हल्का सा प्रेस करने पर टूट रहे हैं। छोलों के बघार के लिए हम लेंगे 2 बारीक कटी प्याज। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर उसमें हम बारीक कटी प्याज डालेंगे। हमें इसे ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। अब हम लेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसे भी तेल में डालकर उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। छोलों में इनकी खुशबू उतरने के लिए इन्हें फ्राई करना ज़रूरी है। अब 1 चम्मच मिर्ची डालते हैं। आप इसके हिसाब से मिर्ची ले सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। छोलों में टैंगी टेस्ट आने के लिए हम लेंगे 2 बारीक कटे टमाटर। इन्हें अच्छे से नरम होने तक फ्राई करना है। टमाटरों के गलकर छिलका छूटना चाहिए। अब हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, बस 1 चम्मच। अब हम डालते हैं 1 चम्मच काला नमक। काले नमक से हाजमे में आसानी होगी और टेस्ट भी बढ़ेगा। अब डालते हैं 1 चम्मच आमचूर पाउडर। छोलों को टेस्टीएस्ट बनाने के लिए अब लेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सारे मसालों को हमें बहुत अच्छी तरह से धीमी आंच पर भूनना है। सारे मसालों के टेस्ट को और नमक को छोले जज्ब करते हैं, जिससे हमारे छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम डालेंगे 1 कप पानी। इसमें ज़रा सा बॉईल आने के बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए छोले। 2 मिनट तक फुल आंच पर इसे इस तरह पकाना है। हम इसमें और 1 कप पानी डालते हैं। 2 मिनट के बाद ढक्कन डालकर इसे हम 6 मिनट तक रखेंगे। 6 मिनट धीमी आंच पर पकाना है। देखिए, बन गए हमारे छोले। अब इसे कोट में डालकर गार्निश करते हैं। वैसे तो ये अभी भी टेस्टी है, मगर इसमें और टेस्ट लाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा बघार। 1/2 चम्मच तेल में हम डालते हैं बारीक कटी लहसुन और सूखी लाल मिर्च। इन लहसुन और मिर्ची की वजह से हमारे छोले महकेंगे और छोलों में खूबसूरत सी शाइन भी आएंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें। ये इतनी टेस्टी है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इससे आपकी इफ्तारी या सहर और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाएंगी। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।